भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा देश। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा लोग भारत में ही रहते हैं। आज हमारे देश का हर तीसरा व्यक्ति युवा है। एक उभरती अर्थव्यवस्था, ग्रेजुएट और टैलेंटेड युवा, फिर भी दिन प्रतिदिन बढ़ती बेरोजगारी इस देश के बढ़ते कदमों को रोक रही है। टैलेंटेड युवा, कई सारे शैक्षणिक संस्थान और हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पैदा करने वाला देश है, फिर भी इतनी बेरोजगारी क्यों? यह सवाल जितना उलझा हुआ है इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। वैसे तो बढ़ती बेरोजगारी के कई बड़े कारण बताए जाते हैं, जिसमें बढ़ती जनसंख्या भी एक मुख्य कारण है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस कारण के बारे में बात करेंगे वह है करियर प्लानिंग में कमी। यदि हम बात करें करियर की, तो अधिकतर युवा यही सोचते हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिल जाए तो वो ही करियर है, यानी करियर को सीधा जॉब से जोड़ देते हैं। जबकि असल में करियर एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम कुछ नया सीखते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, ताकि हम कामयाब और संतुष्ट रहकर जिंदगी जी सके। आसान भाषा में समझे तो करियर एक रास्ता है जिस पर हमें पूरी जिंदगी चलना है, और करियर प्लानिंग का मतलब है हमें पहले से पता हो कि कहाँ रुकना है, कहाँ मुड़ना है, ताकि हम अपने रास्ते से भटक न जाए। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं करियर प्लानिंग से जुड़े कई अहम पहलुओं की। भारत में करियर प्लानिंग की वर्तमान स्थिति। करियर प्लानिंग पर हमारी पूरी जिंदगी का रास्ता निर्भर होता है और भारत में इसी को नजरअंदाज किया जाता है। आज भी यदि 11वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, तो अधिकतर का जवाब होता है माता पिता ने कहा इसलिए, या फिर दोस्त ने लिया इसलिए यह सब्जेक्ट लिया। ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मेरे चुने हुए सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, या फिर मेरे चुने हुए सब्जेक्ट के ये सब खूबी है। आज माता पिता अपने बच्चों का करियर प्लान करने के लिए यह देखते हैं कि पड़ोसी के बेटे के कितने नंबर आए, फलाने का लड़का क्या कर रहा है, या फिर चाचा जी कैसे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन उनके बेटे का इंटरेस्ट किस चीज में है यह जानने की कोशिश नहीं करते, साथ ही यह भी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसकी क्या एबिलिटी है। और यही कारण है कि हमारे पास क्वालिफाइड लोग तो है लेकिन उनके पास काम करने का स्किल या गुण नहीं है। करियर प्लानिंग की जरूरत। कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों ना हो, लेकिन हमें पता चल जाए कि उन मुश्किलों से कैसे निपटना है, तो वह रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है। इस प्रकार सही समय पर करियर प्लानिंग कर ली जाए तो पहले से पता चल जाता है कि किस वक्त पर क्या करना है और कहाँ जाना है। करियर प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट और एबिलिटी जान लेनी चाहिए, और साथ ही यह पता कर लेना चाहिए कि उसे किस प्रकार के माहौल में काम करना अच्छा लगता है। यदि स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए तो कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस तरह बच्चे अपनी पढ़ाई को अपनी जिंदगी से कनेक्ट कर पाते हैं। एक देश की प्रगति के लिए उस देश के युवाओं का सही रास्ते पर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और यह सब करियर प्लानिंग से संभव हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कुछ सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपके सपोर्ट की हमारे चैनल को बहुत जरूरत है, तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जय हिंद।